15 के अब हम आप पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 15 पर 1 की टेबल कितनी दफा जाती है, 15 टाइम, ठीक है। 2 है, उसके बाद 2 आता है, 2 इसे कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता क्योंकि ये एक ऑड नंबर, पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं, मतलब हर वो नंबर लिखना है जो जो इनको डिवाइड करता है। तो ये अभी हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 6 की 3 यूनिट की 3.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इसकी पहली एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 20। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 8, 5, 3, इनमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर है, कौन से वो नंबर हैं जो 20 के फैक्टर्स हैं। तो नंबर वाइज देख लेते हैं, जो 2 है, 2 हर इवन नंबर को डिवाइड करता है, तो 20 एक इवन नंबर है तो 2 भी इसका फैक्टर हुआ। 8 क्या कोई रूल अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, 8 में टेबल से ही पता चल जाता है, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, तो 8 भी इसका फैक्टर नहीं है। 5 का रूल क्या है कि एंड में यूनिट प्लेस पर या तो 5 हो या 0 हो, तो 20 में यूनिट प्लेस पर 0 आता है तो 5 भी क्या है इसका फैक्टर है। बाकी जो 3 है, 3 का रूल क्या होता है कि जो नंबर है उसके डिजिट्स जो हैं उनको आप ऐड कर लें, ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है अगर उस पर 3 की टेबल जाती है तो पूरे नंबर पर जाएगी। तो अगर हम 2 और 0 को ऐड करते हैं तो जवाब आता है 2, तो 2 पे टेबल नहीं जाती, इसलिए 3 भी 20 का फैक्टर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो जो नंबर मिल रहे हैं हमें, 15, 30, 50, 125 एंड 150, इनके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं, मतलब हर वो नंबर लिखना है जो जो इनको डिवाइड करता है। तो ये अभी हम करते हैं। अब हम करते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये टेक्निकली कह रहे हैं कि इनके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखें। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको नंबर देती हूँ 12, यहाँ पर मैं आपको कहती हूँ उसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखें, तो मतलब आप हर वो नंबर लिखें जो जो 12 को डिवाइड करता है, जो जो। अब आम बंदा तो मतलब ऐसे ही करेगा जिसने नहीं सीखा होगा, 12 पर 1 की टेबल जाती है, लाइक 6 की जाती है, 2 की जाती है, 3 की जाती है, 12 की खुद की जाती है, यहाँ पर नंबर्स मिसिंग हो जाते हैं, जैसे 4 हो गया। 15 के अब हम ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 15 पर 1 की टेबल कितनी दफ़ा जाती है, 15 टाइम, ठीक है। 2 है, उसके बाद 2 आता है, 2 इसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, इवन और ऑड में ये डिफरेंस है कि इवन वो नंबर होता है जिसके एंड में या 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो। ऑड उसे कहते हैं जिसके एंड में, मतलब यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7 और 9 आता हो, ये ऑड हैं, ये इवन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके एंड में क्या आ रहा है, 5 कौन सा नंबर है, ऑड। तो ऑड नंबर को 2 डिवाइड नहीं करता, 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 3, ठीक है। 3 का रूल क्या है, 3 की हमें कैसे पता चले कि 3 इसे डिवाइड करता है या नहीं, वरना हमें ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरह जो प्रोसेस होता है। अगर आपको रूल्स आते हैं तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि 3 की इस पर टेबल जाती है कि नहीं। तो 3 के लिए कैसे पता चलेगा, 1 और 5 को आप प्लस करें, जो नंबर दिया हुआ है उसके जो भी डिजिट्स हैं उसको आप प्लस करें, 1 + 5 = 6। 6 पर 3 की टेबल जाती है तो 15 पर भी टेबल जाएगी, 3 की टेबल 15 पर कितनी दफ़ा जाएगी, 5 टाइम। 3 के बाद क्या आता है, 4 की टेबल इस पर नहीं जाएगी, 4 के बाद क्या आता है, 5 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो यहीं बस ख़त्म हो गए, इसके यहीं ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो क्या क्या है इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, 1, 3, 5 एंड 15। तो अभी चलते हैं 30 पर,
30 स्टार्ट करेंगे 1 से, इस पर कितनी दफ़ा टेबल जाएगी 30 टाइम, फिर 2 के अब इस पर टेबल जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब 0 है और ये 0 कौन से नंबर में आता है, इवन में, तो इवन को 2 कम्प्लीटली डिवाइड करता है। यहाँ पर देखिए हमें ये पता चल गया कि 2 इसे डिवाइड करता है, तो अब हमें डिवाइड करने का कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर हम ऐसे ही डिवाइड करते लाइक 35 है, इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हमें रूल नहीं पता तो एंड में जाके हमें पता चलेगा कि यार इसे तो ये डिवाइड नहीं करता। अगर आपको रूल पता है तो फिर आप अगर डिवाइड करें तो आपका टाइम बच जाएगा कि हाँ अभी ये इसे डिवाइड करता है तो अभी टेबल लगा लेते हैं कि कम्प्लीटली जाएगी। तो ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 2 से अगर आपको किसी भी चीज़ को डिवाइड करना है, मतलब उस नंबर का आप हाफ कर दें, ठीक है। अब 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ करें कितना हो गया 15 दफ़ा टेबल जाएगी 2 की। 2 के बाद क्या आता है 3 से डिवाइड करेगा क्योंकि 3+0 इज इक्वल टू 3। 3 की टेबल 30 पर कितनी दफ़ा जाएगी 10 टाइम्स। 4 इसे डिवाइड नहीं करता, 5 हर उस नंबर को डिवाइड करता है जिसके एंड में या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर आप 5 की टेबल देखें तो उसमें भी जो भी नंबर्स हैं ऐसे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखें कि जो भी यूनिट प्लेस है 0, 5, 0, 5, 0, 5 उसके अलावा कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं आता। तो 5 इसे कितनी दफ़ा डिवाइड करेगा 6 टाइम। 5 के बाद क्या आता है 6 यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है तो ये यहीं पर ख़त्म हो गया। इसके यही ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं, मतलब इनके अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 30 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। तो ये कितने नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। इन नंबर्स के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 30 को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। अब आगे पढ़ते हैं 50 स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 की टेबल 50 पर कितनी दफ़ा जाएगी 50 टाइम, 2 की टेबल 50 पर कितनी दफ़ा जाएगी 25 टाइम, 3 की नहीं जाएगी, 4 की नहीं जाएगी, उसके बाद 5 की जाएगी कितनी दफ़ा 10 टाइम्स। ये हो गए इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, अभी नोट डाउन करते हैं 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। मतलब इन नंबर्स के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 50 को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। उसके बाद है 125 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स अगर हम निकालें तो स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 की टेबल 125 पर 125 दफ़ा ही जाएगी क्योंकि 1 हर नंबर को उतनी दफ़ा ही डिवाइड करता है जितना वो खुद नंबर है, ठीक है। 2 की इस पर टेबल नहीं जाएगी क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। 3 को हम देखते हैं 1+2+5 ये कितने हो गए 8 को 3 डिवाइड नहीं करता तो 125 को भी डिवाइड नहीं करेगा। 4 की भी इस पर टेबल नहीं जाएगी। 4 का क्या रूल होता है कि या तो जो 100 और टेंस वाली प्लेस है, सॉरी यूनिट और टेंस वाली प्लेस है, तो वहाँ पर या तो 2 0 हों या फिर कोई ऐसा नंबर हो जो जिसको 4 कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। यहाँ ना तो यहाँ पर 2 0 हैं ना ही 25 को 4 कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो 4 की टेबल भी नहीं जाएगी। 5 इसे डिवाइड करेगा हाँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 5 उस नंबर को डिवाइड करता है जिसके एंड में या तो 0 हो या 5 हो, इसके एंड में क्या है 5 है। तो देखते हैं 5 इसे कितनी दफ़ा डिवाइड करता है 5 1 द 5 5 2 द 10 2 इसको देंगे 5 25 5 इसको डिवाइड करता है 25 टाइम। 6 इसको डिवाइड नहीं करता क्योंकि 6 हर उस नंबर को डिवाइड करता है जिसको 2 भी डिवाइड करता हो 3 भी डिवाइड करता हो, तो ना इसे 2 डिवाइड कर रहा है ना इसको 3 डिवाइड कर रहा है तो इसे 6 डिवाइड नहीं करेगा। 7 भी इसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा। उसके बाद आता है 9। 9 का भी रूल यही है कि आप नंबर्स को प्लस करें, जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करें, जो जवाब आता है अगर वो ऐसा नंबर है जिस पर 9 की टेबल जाती है तो उस कम्प्लीट नंबर पर भी 9 की टेबल जाएगी। और 10 का रूल क्या है, 10 का रूल है कि लास्ट में या तो 0 हो या उसके बाद बस यहीं पर टेबल्स जाती हैं। तो इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या हुए 1, 5, 25, 125।
अब 150 पर करते हैं, यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, दूसरे पेज पर करते हैं। अभी हम करते हैं 150 का, तो 150 पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। 1 से 1 की टेबल 150 पर कितनी दफ़ा जाएगी, 150 टाइमी, और 2 की टेबल इस पर जाएगी क्योंकि ये एक इवन नंबर है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि उस नंबर को आप हाफ़ कर दें, तो 150 का हाफ़ कितना होगा, 75। 3 की टेबल इस पर देखते हैं जाएगी या नहीं जाएगी। रूल अप्लाई करते हैं, 1 + 5 + 0 इज़ इक्वल टू 6। इसका सम आ रहा है 6, तो 6 पर 3 की टेबल जाती है, तो 150 पर भी 3 की टेबल जाएगी, पर कितनी दफ़ा जाएगी अब ये चेक करते हैं। 3 1 3 1 3, 3 5 15 एंड 0 सेम रखेंगे, तो 3 की टेबल इस पर जाती है 50 टाइम्स। क्या 4 इसे डिवाइड करेगा, 4 इसे डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि जो एंड पर नंबर है वो यूनिट और टेंस पर वो है 50, तो 50 पर 4 की टेबल कम्प्लीटली नहीं जाती, तो इसलिए 4 इसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद आता है 5, 5 जी इसे डिवाइड करेगा क्योंकि 5 हर उस नंबर को डिवाइड करता है जो जिसके एंड में या तो 0 हो या तो 5 हो, इसके एंड में 0 है, तो 5 इसे डिवाइड करेगा। कितनी दफ़ा करेगा, 5 की टेबल 50 पर कितनी दफ़ा जाती है, 5 1 5, 5 3 15, 0 सेम, 5 इसे डिवाइड करेगा 30 टाइम। उसके बाद आता है 6, 6 इसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखें तो इसे 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, दोनों डिवाइड करें। अगर ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर देखें ये 4 है, 14 है, 14 को 2 डिवाइड करता है पर 3 डिवाइड नहीं करता, तो 6 भी इसे डिवाइड नहीं करता। 6 का रूल ये है कि एक नंबर को अगर 2 और 3 दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो 6 डिवाइड करेगा, जैसे यहाँ पर इसे 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, तभी जाके 6 भी इसे डिवाइड करेगा। 6 इसे डिवाइड करेगा कितनी दफ़ा करेगा ये चेक करते हैं। 6 6 6 6 6 2 12 और 3 इसको देंगे ये 30 25। 6 इसे डिवाइड करेगा 25 टाइम, 5 इसे डिवाइड नहीं कर, 7 इसे डिवाइड नहीं करेगा, 8 भी इसे डिवाइड नहीं करेगा, और 9 इसे डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 9 हर उस नंबर को डिवाइड करता है जिसका सम वो हो, मतलब जिसका सम ऐसा नंबर आए कि जिसको 9 ऑलरेडी डिवाइड करता हो, जैसे कि 81 है, 81 को अगर हम प्लस करते हैं उसके डिजिट्स को तो 9 आता है, 9 पर 9 की टेबल जाती है तो 81 पर भी जाएगी, पर यहाँ पर आप अगर आप देखें तो 1 5 एंड 0 को अगर हमने प्लस किया है तो जवाब आ रहा है हमारा 6, तो 9 भी इसे डिवाइड नहीं करेगा। 10 इसे डिवाइड करेगा, 10 इसे इसलिए डिवाइड करेगा क्योंकि इसके एंड में क्या है, 0। 10 इसे कितनी दफ़ा डिवाइड करेगा, 15 टाइम। तो इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हुए, 1 2 3 5 6 10 15 25 30 50 75 एंड 150। इसका मतलब यह है कि इन नंबर्स के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 150 को कम्प्लीटली डिवाइड करे। जैसे यहाँ पर 7 था, 7 को 150 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कोई ना कोई रिमाइंडर ज़रूर छोड़ेगा क्योंकि ये इसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। देखें ये 14 को ये डिवाइड करेगा, फिर माइनस करेंगे 1, ये 0, ये 7, माइनस करेंगे 3, ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड नहीं किया, 3 रिमाइंडर आया हमारा। तो इन नंबर्स के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 150 को कम्प्लीटली डिवाइड करे। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मल्टीपल्स ऑफ 6, मतलब जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन सा नंबर 6 का मल्टीपल है। मल्टीपल किसे कहते हैं, आप सिंपली ये समझ लें कि मल्टीपल उसे कहते हैं जो उस 6 की टेबल में आता हो, ठीक है। और बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि टेबल्स जो हैं वो सिर्फ 10 तक होती हैं, तो ये अपने माइंड से निकाल लें कि टेबल्स 10 तक होती हैं, टेबल्स 10 से बढ़कर होती हैं, बल्कि अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो 6 से 10 को डिवाइड नहीं करता, 6 की टेबल में 10 नहीं आता। उसके बाद है 18,
18 6 की टेबल में आता है, 6 3 18। अब ये जो है 96, मसला यहाँ पर आता है। ये इतना बड़ा नंबर है, बच्चे कहेंगे कि ये तो आता ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगी कि 6 इसकी टेबल में आता है कि नहीं आता। तो रूल अप्लाई करें। रूल क्या है कि जो जो नंबर 2 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड होगा। मतलब कि देखें, अब जैसे 96 है, 96 को 2 डिवाइड करेगा क्योंकि वो एक इवन नंबर है, ठीक है। उसके अलावा जो 3 है, 3 96 को डिवाइड करेगा क्योंकि 9 और 3 का सम क्या है, 15 को 3 डिवाइड करता है तो 96 को भी डिवाइड करेगा। तो 6 भी इसे डिवाइड करेगा क्योंकि 2 और 3 दोनों इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 भी इसे डिवाइड करेगा। 200 को 2 तो डिवाइड करता है पर 3 डिवाइड नहीं करता क्योंकि 2 प्लस 0 तो 2 होगा, तो 3 इसे डिवाइड नहीं करता, तो 6 भी इसे डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 4, 7, 12, 15 and 20। यहाँ पर जो जो एक एक ऑप्शन मिला है ना आपको, उसके एक एक नंबर के आपको 7 मल्टीपल्स लिखने हैं। फर्स्ट जो मतलब देखें, 4 है, 4 के फर्स्ट 7 मल्टीपल्स कैसे होंगे, 4 1 4 4 8 16 12 16 20 24 and 28। ये क्या हो गए, 4 के फर्स्ट 7 मल्टीपल्स हो गए। 7 के क्या होंगे, 7 के होंगे 7 14 21 28 35 42 and 49। ये क्या है, 7 के फर्स्ट 6 7 मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही 12 के, 15 के और 20 के आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 6 and 15। इसके इससे पहले आपको ये समझना होगा कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, तो चलिए ये सवाल भी अब हल करते हैं आपका। प्राइम नंबर्स और दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर्स। सो पहले हम थोड़ा बेसिक से रिवाइज करते हैं कि पहले जो नंबर्स होते हैं वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। दूसरे होते हैं होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद वो नंबर आते हैं जो ऑड और इवन होते हैं। ऑड और इवन जिनके एंड में मैंने आपको डिफरेंस बताया कि ऑड में 1 3 5 7 आता है और 9 आता है, और इवन के एंड में 2 4 6 8 और 0 आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर वो होते हैं जो इंटीजर लाइन पर शो किए जाते हैं, जो प्लस और माइनस दोनों में लिखे जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्राइम और कंपोजिट। प्राइम किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ या तो दो फैक्टर्स हों, सिर्फ दो फैक्टर्स हों, ठीक है, या नहीं दो फैक्टर्स हों। कौन कौन से, एक वो खुद, एक वन। वन तो हर किसी को डिवाइड करता है ना, ठीक है, तो एक तो वन हो या फिर और दूसरा उसका दूसरा वो खुद हो। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो मतलब उसे डिवाइड करता हो। लाइक देखें, 2 है, 2 में 1 इसे डिवाइड करता है, ठीक है, दूसरा 2 इसे खुद डिवाइड करता है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। 3 है, 3 इसे 3 को 1 डिवाइड करता है और दूसरा 3 खुद डिवाइड करता है। उसके बाद 4 आता है जी, 4 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है और 4 डिवाइड करता है। इसमें अगर आप देखें तो 1 भी डिवाइड कर रहा है इसमें, 4 भी डिवाइड कर रहा है, पर एक और नंबर है जो इसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उनको कहते हैं हम कंपोजिट, और ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, कौन कौन से, एक वो खुद और दूसरा 1। तो प्राइम नंबर, सवाल क्या है कि प्राइम नंबर्स लिखें 6 से लेके 15 तक। तो 6 से लेके 15 तक जो पहला प्राइम नंबर है वो है 7। दूसरा है, 7 के बाद क्या आता है, 8। 8 को 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। उसके बाद आता है 9। 9 को 3 डिवाइड करता है। उसके बाद आता है 10। 10 को 5 डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है। उसके बाद आता है 11। 11 एक इवन
प्राइम नंबर है, उसके बाद आता है 13। ये क्या है, ये 6 और 15 के बीच में प्राइम नंबर से। दूसरा सवाल है कि 20 से 40 तक आप क्या लिखें, प्राइम नंबर्स लिखें। तो इसके बीच जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला प्राइम नंबर है 23, उसके बाद है 29, उसके बाद है 31, उसके बाद है 37। ये इन दोनों नंबर्स के बीच के प्राइम नंबर्स हैं, और इनके अलावा जो भी इनके बीच में नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, कंपोजिट हैं, मतलब उनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। लाइक 24 है, 24 का 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है, और 12 भी फैक्टर है। तो इनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो ये क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद है जी 60 और 95 के बीच में प्राइम नंबर्स लिखने हैं। इनके बीच जो पहला प्राइम नंबर है वो है 61। 61 के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक वो खुद और दूसरा 1। दूसरा है 67, फिर है 71, फिर है 73, 79, 83 एंड 89। इनके अलावा जो जो भी नंबर हैं उन सबको, उन सब के दूसरे भी फैक्टर्स हैं, मतलब दो फैक्टर्स के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एन इवन प्राइम नंबर। देखिए, मैंने आपको डिफरेंस तो बता दिया है ऑड और इवन में। ऑड वो नंबर होते हैं जिनके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 आता है। इवन वो होते हैं जो जिसके एंड में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आता हो। तो यहाँ पर सवाल है राइट एन इवन प्राइम नंबर। तो अगर आपने 2 का रूल पढ़ा है, 2 का अगर आपको प्राइम नंबर पता है, मैंने अभी आपको बताया प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो जिसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक वो खुद और दूसरा 1। तो अगर आपको 2 का रूल पता है, 2 का रूल है कि वो हर एक इवन नंबर को डिवाइड करता है, कोई भी इवन नंबर हो, ठीक है। तो इवन नंबर अगर हर किसी इवन नंबर को 2 डिवाइड करता है तो मतलब 2 उन सब का फैक्टर है, ठीक है। 2 उन सब का फैक्टर हो गया, तो इवन नंबर कोई भी हो अगर उस पर किसी और की टेबल जाती हो, नहीं जाती हो, पर 2 तो उसका फैक्टर है ही है, तो उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो गए तो कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है सिर्फ एक नंबर के, वो खुद 2। 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन हो, ठीक है। तो इसका नंबर, इसका आंसर है 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑड और इवन। इनमें से कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इवन उसे कहते हैं जिसकी एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, और ऑड उसे कहते हैं जिसके एंड में 1, 3, 5, 7 और 9 आता हो, ठीक है। तो चलिए टिक करते हैं कि इनमें से ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है। मैं ग्रीन से इवन को टिक कर रही हूँ। जो 10 है उसके यूनिट प्लेस पर अगर आप देखें तो 0 आ रहा है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया इवन नंबर, तो ये भी इवन नंबर है। 47, जो 47 है उसके एंड में आ रहा है 7, मतलब यूनिट प्लेस पर 7 आ रहा है, तो ये इवन नहीं होगा, ये ऑड होगा। 75 भी ऑड है, 91 भी ऑड है, और 100 उसके एंड में आ रहा है 0, तो ये क्या हो गया, एक इवन नंबर्स को टिक करते हैं, उनको येलो से टिक करते हैं। ये जो दूसरे रिमेनिंग नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं, क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, या तो किसी के यूनिट प्लेस पर 7 है, उसके आगे क्या भी आ रहा हो, ठीक है। जैसे ये बी वाला नंबर है, इसके आगे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिट प्लेस पर फ़र्क पड़ता है। यूनिट प्लेस किसको कहते हैं, जो एंड एंड वाला नंबर हो, ठीक है। तो उससे उसको देखना है आपने कि वो 7 है, 5 है, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 51। तो सबसे पहले आपको मैं ये डिफरेंस बताना चाहूँगी, एक होता है राइट ऑल इवन नंबर फ्रॉम 20 टू 50,
ठीक है, जो वर्ड फ्रॉम यूज़ होता है उसका मतलब है कि आपको 20 से स्टार्ट करना है। बिटवीन का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि फ्रॉम और बिटवीन में क्या फ़र्क है। फ्रॉम मतलब वहाँ उसी नंबर से स्टार्ट करना है, 20 से स्टार्ट करना है। बिटवीन मतलब उनके उसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 51। 21 और 51 के बीच में जो नंबर्स हैं इवन वो लिखने हैं। तो इवन नंबर्स मेरे ख्याल में तो आपको रट्टा ही लग गया होगा कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इतनी बार बता चुकी हूँ। तो इवन नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होंगे, 21 के बाद 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 and 48 and 50, that's all। उसके बाद क्वेश्चन है, राइट ऑड नंबर्स बिटवीन 10 to 50, 40। तो ये भी यही ऐसे ही लिखने हैं कि 11, 13, 15, 17, 19 and so on, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स लेस देन 40। कंपोजिट नंबर्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो ऐसा समझ लें कि प्राइम का अपोजिट। अब प्राइम के अपोजिट से मुराद क्या है कि प्राइम वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक वो खुद और दूसरा वन। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो, मतलब एक वन हो, दूसरा वो खुद हो और तीसरा भी कोई और हो। तो 40 से कम जो प्राइम नंबर्स हैं वो पहला प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर है, वो पहला कंपोजिट नंबर है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 and 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 and 40। मतलब 40 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि लेस देन 40 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। उसके बाद है, राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 71 एंड 101। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया कि जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, तो ये आप कर लीजिएगा। और दूसरा नंबर है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 60। जो जो प्राइम नंबर्स हैं 20 एंड 60 के बीच में वो आपको लिखने हैं। मैंने प्राइम नंबर्स भी आपको बता दिए कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, एक वन और दूसरा वो खुद। अगर आपको कैसे पता चले कि कौन से नंबर के कौन कौन से फैक्टर हैं, लाइक 21 है, 21 पे आपको कैसे पता चले कि इसका कोई और फैक्टर है या नहीं, तो आपको रूल्स ऑफ डिवाइजिबिलिटी आनी चाहिए। मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है रूल्स ऑफ डिवाइजिबिलिटी, उसे आप देख लें। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये नंबर इस नंबर का फैक्टर है कि ये नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, वाई वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अच्छा, तो वन जो है, जो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 2 से, जो कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 4 से। तो वन कहाँ आ गया, वन की कोई जगह नहीं है, वन की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि वन इन दोनों के क्राइटेरिया में नहीं आता। प्राइम नंबर्स की क्राइटेरिया है कि वो सिर्फ उन नंबर्स को कंक्लूड करते हैं जिनके दो फैक्टर्स हो, वन और वो खुद, ठीक है। और जो कंपोजिट नंबर है उसका क्राइटेरिया यही है कि उसमें जो वही नंबर आ सकते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। तो वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद, ठीक है, दूसरा कोई भी नहीं है। तो ना वो प्राइम नंबर में आता है ना कंपोजिट नंबर में आता है, दैट्स वाई वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछें।